हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज विंगर किचन। जैसे कि हम सभी लॉकडाउन में रेस्टोरेंट का खाना बहुत मिस कर रहे हैं और लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि नान कुलचे तंदूरी रोटी हम घर में कैसे बनाएं, तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि हम घर में इजीली बिना ओवन के नान और तंदूरी रोटी कैसे बनाएंगे। चलिए फिर बनाते हैं। तंदूरी नान और रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। हम मिल्क पाउडर लेंगे, यहाँ पे शुगर लेंगे, ईस्ट लेंगे। इसकी जगह अगर आपको ईस्ट अवॉइड करना है तो मैं दूसरा भी आपको ऑप्शन बताऊंगी। सॉल्ट लेंगे हम यहाँ पे, ऑयल अभी 2 टेबल स्पून डो लगाने में लगेगा और 2 टेबल स्पून बाद में हमको लगेगा। और ये पानी लेंगे हम डो लगाने के लिए। एक बाउल में सभी ड्राई चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। अगर हमको ईस्ट अवॉइड करना है तो उसके लिए हम 1/2 कप दही लेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर से भी हम अपना डो बना सकते हैं। अब हमारा ऑयल डाल दिया हमने 2 टेबल स्पून अभी। अब पानी डाल के हम अपना डो आटे का जैसा हम रोटी के लिए डो लगाते हैं वैसा ही लगा लेंगे। अब हमारा डो लग चुका है। अब हमारा जो बाउल है उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और आधे घंटे के लिए हमारे डो को फर्मेंट होने के लिए रखेंगे गर्म जगह पे। अब हमारा आधे घंटे के बाद डो फर्मेंट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। अब हमारा थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे प्लेटफॉर्म पे। वैसा हम इसे बेल लेंगे। आपको जैसा भी लगे, मोटा चाहिए तो मोटा, पतला चाहिए तो पतला, बड़ा साइज चाहिए तो आप बड़ा साइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसके बैक साइड पे हम पानी लगाएंगे और अब तवा मैंने तेज आंच पर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसका जो बैक साइड है वो हम तवे पे डालेंगे नीचे। अब इसे 15-20 सेकंड सिकने देंगे, थोड़े इसमें बबल्स आ जाएंगे, फूलेगा, तब हम इसे पलट कर सेकेंगे गैस के आंच पे। देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, फूल रहे हैं। अब इसे पलट के हम सेकेंगे आंच पे, चारों तरफ से इसे घुमा के हमें सेकना ताकि ये कच्चा ना रहे। देखिए धीरे धीरे ये फूलते जा रहा है और सिकते भी जा रहा है। ये हमारा बनके रेडी है। अब मैं इसे आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। देखिए पीछे से भी ये अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब हम इसमें बटर लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारी और तंदूरी रोटी हम बना लेंगे। तंदूरी नान बनाने के लिए हम इसे ट्राइंगल शेप देंगे। इसे अच्छे से पहले हम बेल लेंगे, फिर इसके ऊपर हम मेल्टेड बटर लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। जैसे हम अपने पराठे बनाते हैं वैसे ही अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अभी मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इस पर अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फिर इस पार्ट पे हम अपना बटर लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। और जैसे हम समोसे का शेप देते हैं, समोसे को फोल्ड करते हैं, उस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर हम गार्लिक भी लगा सकते हैं, सेज़मे सीड्स लगा सकते हैं, धनिया पत्ती हो हमारी, पुदीना हो, कुछ भी हम लगा के इसे बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर गार्लिक चॉप करके मैंने रखा हुआ है इसे लगाऊंगी और उसको हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये निकले ही नहीं। और फिर इसके बैक साइड में हम पानी लगाएंगे और इसे सेम प्रोसेस जैसे हमने तंदूरी रोटी में बनाया है वैसा ही हम इस पर रिपीट करेंगे। बैक साइड में पानी लगा के इस पार्ट को हम तवे पे पलट देंगे। अब हम इसे भी बैक साइड से अच्छे से सेक लेंगे।
देखिए कितनी अच्छे से फूल रहा है हमारा नान। अब यह बन के रेडी है। अब हम इसमें निकाल कर इसमें भी बटर लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम अपने सेजमी सीड्स वाले भी और बना लेंगे आगे। अगर आपका तवा गर्म हो तो दो दो मिनट में बनते जाते हैं। इसी प्रकार से हम इसको भी बना लेंगे अपना। देखिए अब ये बन के रेडी है हमारे नान एंड तंदूरी रोटी। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे रोटी की टोकरी में हम सर्व करेंगे। आप इसे कोई भी सब्जी या दाल के साथ इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आगे भी नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा। इन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।